नेकी ये नहीं है कि तुम अपने चेहरे मशरक या मगरब की तरफ कर लो जिस तरह के यहूद और नसारा करते थे मखसूस रंगों के लिबास पहन कर मखसूस तरज के पटके पहनकर और मखसूस रसूम रवाज के साथ उलझ के रह जाना ये दीन नहीं है लेस अलबेर ये नेकी नहीं है अंतवल्लू के तुम फेर लो वजूहकुम अपने चेहरों को के बल अलमशरक मगरब मशरक और मगरब की तरफ वला किन्नल मन आमन बिल्ला। नेकी क्या है कि कोई अल्लाह पारी मान लाए उसका दिल अपने रब को माने तो नेकी की हकीकत यह है कि आप अपने रब के हो जाएं। जब रब के हो जाएंगे तो फिर उसके दिए हुए निजाम को आप मिनोआन तस्लीम करेंगे उठने बैठने से लेकर अंदाजे तक और तर्ज हयात कारोबार से लेकर निजी जिंदगी तक आपकी जिंदगी का एक गोशा अपने रब के दिए हुए निजाम की मुताबकत में होगा तो नेकी तो ये है ना ये है कि तुम मखसूस एक तर्ज इख्तियार कर लो मखसूस तरस के रंग पहन लो और उसको तुम दीन करार दे दो ज़ाहरीत का नाम दीन नहीं है बल्कि तुम्हारी रूहों में दीन की वो कदरें इस तरह उतर गई हों कि तुमसे जुदा ना होने पाए यहाँ यह बात भी जहन नशीन रहे कि जो हमारे एतकदात होते हैं उनका हमारे अमल पर रवैये पर तर्ज़ जिंदगी पर जरूर असर होता है अकीदा हमारे अमल की बुनियाद होता है तो अगर मेरा यह अकीदा है कि मैं अल्लाह वहद शरीक को मानता हूँ तो फिर उसका लाजमी नतीजा यह है कि गैर का खौफ मेरे सीने से निकल जाएगा इसी तरह जब आखिरत का यकीन मेरी रूह के अंदर राशक हो जाएगा तो मेरी जिंदगी खुद ब खुद मुरतब हो जाएगी मुनम हो जाएगी क्योंकि आखिरत का तसवर क्या है कि मैं अल्लाह के हजूर जवाब दे हूँ और एक एक अमल उसके हजूर पेश होना है और वहाँ अमाल की जवाबदेही है सुम लतुस्ल तो फिर किस तरह मैं बंद कमरे के अंदर भी जुर्म कर सकता हूं जब यह अकीदा मेरे साथ जुड़ गया है जब हम अपने अमल में कमजोर होते हैं तो हमारे अकीदे के अंदर कुछ झूल होती है कमजोरी होती है उस कमजोरी की वजह से अमल कमजोर होता है तो अमल की पुख्तगी और रसूख अकीदे की पुख्तगी का नतीजा होता है तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ें बयान फरमाई उनका ताल्लुक जुड़ा था अकायद से अब दूसरी बात जो बेर की तशरी करते हुए इरशाद फरमाया वह आतमला हब्बेही अलाबे ही मोहब्बत के बावसफ माल की अगर मोहब्बत या जरूरत नहीं है तो फिर उसको खर्च कर देना सरफ कर देना ये कमाल नहीं होता कमाल उस वक्त है जब उसकी शदीद एहतियाज आपको भी मौजूद हो इसलिए सेहतमंद आदमी जो जवान भी हो और उसको जरूरत भी हो उसका सदका करना उसके सदके करने से बेहतर है जो मखमसे के आलम के अंदर जब मोतोहयात की कशमकश हो तो वो सदका कर दे अपना माल खैरात दे अमूमी तौर पर एक मख् दौलत की मोहब्बत जो हमारे सीनों में एक हद तक मौजूद होती है वो ये है कि जब अल्लाह हमें माल देता है तो बास औकात कुछ लोग कहते हैं कि अभी मैं इस माल को बढ़ाता चला जाऊंगा और अपनी सारी ज़रूरियात भी पूरा करता चला जाऊंगा और बहुत हुज़म हो जाएगा तो फिर इससे कोई बड़ा काम करूंगा वो एक हदफ लेता है बड़े काम का और माल को जरूरत के बावजूद खर्च नहीं करता तो ये एक मख्फी मोहब्बत है माल की जो सीनों के अंदर छुपी हुई है तो हमारे दीन ने हमें जो तरकीब दी है कि जो जो जरूरत पेश आए तो जहां जहां जरूरत पेश आए तुम्हें अपने माल से खर्च करना होगा हजूर नबी राहमद्ला ने इशाद फरमाया कि जो जक़ात है जो सदका वाजबा के तौर पर हम अदा करते हैं उसके अलावा भी तुम्हारे ऊपर माल खर्च करना जरूरी और लाजम है और उसके मसारफ यहां बैन फरमा दिए और वह मसारफ क्या है आप जरा गौर कीजिए फरमाया ज़विल कुरबा सबसे पहला जो रखा वो ज़विल कुरबा रिश्तेदार रखे बाकी लोगों पर खर्च करने से पूरा सवाब मिलता है और रिश्तेदारों पर खर्च करने से दोहरा सवाब मिलता है वल यतामा और यतीमों को वल वलमसा और मस्किन मस्किन उसको कहते हैं जिसके पास दो वक्त का खाना मौजूद ना हो वबन सबील और जो मुसाफिर है वायलिन और जो मांगने वाले हैं तो अगर उसके पास दो वक्त का खाना नहीं है तो वो अगर मांगे बकदरे खिफाफ़ और दो वक्त का खाना मिल जाए तो फिर मांगना तर्क कर दे तो उसके लिए जायज़ है और शरीयत उसको रोकती नहीं और ऐसे शख्स को देना सवाब भी है लेकिन जो शख्स जमा किए हुए हो उसके पास मौजूद हो दौलत बढ़ाने के लिए या आदतन मांगता हो तो ऐसे शख्स को न देना चाहिए और ना उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए व फिर रिकॉब और जो ग़ुलाम है उनको गुलामी के बोझ से आज़ाद करने के लिए माल खर्च करना दौरे मौजूद के अंदर अगर कोई कर्ज में जकड़ा हुआ है तो वो भी फंसी हुई गर्दन है उसको और मैं समझता हूँ कि इसके जुमरे में वो शख्स जिसकी बेटियां जवान हैं और उसके पास कोई रकम नहीं है कि उनकी शादी कर सके और उसकी मदद की जाए तो ये भी उससे मिलता जुलता हुक्म उसके साथ ये जुड़ जाएगा कि उस फंसे हुए मजबूर की गर्दन को छुड़ाया जाए वह अकाम असला वह आत जक़ात और नमाज कायम करना और ज़क़ात अदा करना वलमोफूना बेहद हम इज़ाद और अहद को पूरा करना जब वो अहद कर बैठे व साबरीन और सबर करने वाले फिलबासाए वर्राय वही नलबाज गुरबत बीमारी हालत जंग में इस तकामत और सबात के साथ खड़ा रहे अब ये बयान करने के बाद फरमाया उलाइकल सदाकू ये वो लोग हैं जो सच्चे और पक् मोमिन है जो इन खूबियों के हामिल है जो इबादत के अंदर एतकदात के अंदर रवैयों के अंदर तर्ज़ ज़िंदगी के अंदर अंदाज़ माशरत के अंदर सब में कमाल मरतबे पर मराम है ये सच्चे लोग हैं और फ़रमाया फर्मा वा वालमत्तकून और तकवे के नूर से माला माल भी यही लोग हैं जिनके के एतकदात भी ख़ूबसूरत जिन के भी खूबसूरत जिन रवैये भी ख़ूबसूरत और जिनका तर्ज़ ज़िंदगी भी खूबसूरत